चित्रकूट के राम वन गमन पथ के पवित्र सिद्धा पर्वत का अस्तित्व संकट में आ गया है। पहाड़ में खनिज लीज अनुमति की प्रक्रिया के बाद चारों तरफ से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। धार्मिक महत्व का ये वही पहाड़ है जिसे रामायण में असित समूह पर्वत कहा गया है, जो त्रेता युग में राक्षसों ने तपस्वी श्री मुनियों को मार कर हड्डियों का अंबार लगा दिया था और भगवान राम ने धरती को राक्षस विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। मध्य प्रदेश सतना के चित्रकूट स्थित राम वन गमन पथ पर पवित्र सिद्धा पर्वत का अस्तित्व संकट में है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में सिद्धा पहाड़ अस्थि समूह पर्वत था, जिसे राक्षसों ने तपस्वी ऋषि मुनि और साधुओं को खाकर ढेर लगा दिया था। लाखों लाख हिंदू आस्था का प्रतीक इस त्रेता युग पर्वत पर 15 वर्ष से बंद पड़ी लेटराइट और बॉक्साइड के खदान को फिर से खोलने के लिए कटनी के एक खनिज कारोबारी सुरेंद्र सिंह सलूजा ने एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आवेदन दिया है। पहाड़ जो खदान चल रही है वो पूर्णतः जो है इस क्षेत्र की आस्था के साथ खिलवाड़ है। रामायण में चौपाई है, अस्तु समूह देख ही रघुराया, और भगवान राम ने अस्थियों का समूह देख करके और मुनि जी से पूछा था कि इसमें क्या है, तो मुनि जी ने बताया था कि हड्डियों का समूह है। मांग करता हूं शासन प्रशासन से, इस तरह के जो उत्खनन हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो दोहन हो रहा है, उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक उत्खनन बस नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भगवान राम की ये तपोस्थली है और इससे जुड़ा हुआ सर्वभंग आश्रम से लगा हुआ सिद्धा पहाड़ है, अस्थियों का समूह है, उसको आज भी अगर वहाँ खोदते हैं, हड्डियों की जो अवशेष निकलते हैं वो पूर्णतः हमारे धर्म के खिलाफ है और इसको बंद होना चाहिए। दरअसल चित्रकूट के राम वन गमन पथ पर स्थित ये वही सिद्धा पर्वत है जिसे राज्य शासन के सर्वेक्षण संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय भोपाल की सर्वे रिपोर्ट में पवित्र धार्मिक स्थान माना गया है। एमपी हाई कोर्ट के निर्देश पर साल 2015 में सिद्धा पर्वत समेत चित्रकूट क्षेत्र के 9 स्थलों का सर्वेक्षण कराया गया था। टीम में शामिल प्रभारी अधिकारी आशुतोष उपरीत और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र यादव ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि उत्खनन से धार्मिक महत्व का सिद्धा पर्वत नष्ट हो रहा है। उत्खनन से न सिर्फ पहाड़ अस्तित्व विहीन होगा बल्कि धार्मिक आस्था भी आहत होगी, साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ेगा। यहाँ से जब चलते हैं भगवान के जंगल को तो ऋषि मुनि यहाँ बहुत इकट्ठा थे, सब पीछे लगे भगवान के। जब आगे जाते हैं तो अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डी का पहाड़ भगवान ने देखा तो पूछी मुनि लाग जाए, मुनियों से पूछा कि ये क्या है, भगवान को बड़ी दया आई। फिर ऋषियों ने बताया कि जानत हो कसूम पूछी स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी, आप सब जानते हैं पर हमसे पूछते हैं। निश्चय निकर सकल मुनि खाए, राक्षस लोग निकल के ऋषि मुनियों खा के हड्डी का पहाड़ लगा दिया है, भगवान वहीं पर निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। भगवान ने भुजा उठा के प्रण किया कि इस पृथ्वी से राक्षसों का सफाया किया जाए। कितने खाए तब 2 किलोमीटर पहाड़ लंबा, हजारों फीट ऊंचा पहाड़ हो गया, ये बहुत बहुत कुछ नुकसान हुआ। फिर भगवान वहीं पर प्रण किए भुजा उठा के, फिर अस्थि समूह के बाद फिर सुतीक्षण गए हृषयगत का सुसजाना नाम सुतीक्षण रथ भगवान। निकी रामायण में भी वर्णन है इसका बृहद रूप से, तो क्या करें हम लोग विरोध करते हैं, ये रामपथ में आता है उसमें अभी भी हड्डी निकलती हैं कहीं कहीं। हम लोग पटवा जी की सरकार में खुदाई लगी थी तो वहाँ की हड्डी पुड़िया में लेके एक्शन कर वहाँ पर असेंबली क्वेश्चन करवाए थे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जबलपुर स्थित रीजनल ऑफिस ने बंद पड़ी खनिज विहीन खदानों के माइनिंग प्लान को आंख मूंद कर मंजूरी दे दी। इसके अलावा ये इलाका जंगली जानवरों के लिए मुफीद होने से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का प्रोजेक्ट भोपाल भेजा गया था जो धूल फांक रहा है। इसमें भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार हमेशा राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर हमेशा वोट लेती है और आज राम के नाम पर ही उन्होंने लूट का धंधा चालू कर दिया है। भगवान राम की कर्मस्थली चित्रकूट से 84 कोस का राम वन पथ गमन का जो मार्ग है उसमें 3 पर्वत आते हैं, सर्वभंग मुनि आश्रम, सिद्धा पर्वत और सुतीक्षण आश्रम का पर्वत, जिसमें सुतीक्षण आश्रम और सर्वभंग मुनि के पर्वतों पर अवैध
रूप से खनन प्रशासन के और शासन के नुमाइंदों द्वारा लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है और अब सिद्धा के पर्वत में भी प्रशासन द्वारा लीज देने का काम शायद शुरू किया जा रहा है, जिसका हम सब क्षेत्रीय जन पुरजोर विरोध करते हैं और हम जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, प्रशासन से मांग मांगेंगे। सिद्धा पर्वत का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में भी इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। इन्हीं पुख्ता आधार पर त्रेता युग में पर्वतनुमा हड्डियों का ढेर देखकर वनवासी श्री राम द्रवित हो उठे थे। उन्हें ऋषियों ने बताया था कि ये उन ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर है जिन्हें राक्षसों ने मारकर खा लिया था। ये वही स्थल है जहाँ श्री राम ने धरती से राक्षसों का नाश करने का संकल्प लिया था। मानस से यह भी स्पष्ट है कि इस क्षेत्र सर्वत्र ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। सिद्धा पर्वत का संबंध इन्हीं सिद्ध संतों से है। डेढ़ दशक बाद एक बार फिर सिद्धा पहाड़ को खोदने की सुगबुगाहट से इलाके के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि यहां खदान शुरू होने नहीं देंगे। भाजपा सरकार में जब मुद्दा भगवान राम से जुड़ा हो और भाजपा ने आंख बंद कर ली हो तो मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए ज्वलनशील मुद्दा मिल गया। चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भगवान के नाम पर सुलगते इस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। राजधानी भोपाल में मुद्दे की धमक सुनाई देने लगी है। ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है जिसको राक्षसों ने ये ढेर लगा दिया है। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। उस पहाड़ी को कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं, उस सिद्धा पहाड़ को खोदकर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। जहां राम जी ने सौगंध लिया कि दुष्टों का विनाश करूंगा इन हड्डियों के कारण, उस हड्डी को खोदकर उस हड्डी के पहाड़ को निकालकर अपना धंधा चलाने वाले लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि बिंद की अस्मिता, बिंद का सम्मान, बिंद का चित्रकूट, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। व्यापारिक गतिविधियां, किसी को धंधा खदान वो नहीं चलाने देंगे। 30 सितंबर को जनसुनवाई है। हम 29 तारीख को चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए सर्वंग आश्रम आएंगे। गमन बनाने की बात करती है और भगवान राम की जो स्मृतियां हैं उनको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान साहब और जो भी हैं सब यहाँ पे चित्रकूट में आके चिंतन मंथन करते हैं, चाहे संघ के श्री आदरणीय मोहन भागवत जी हो, चाहे संघ से जुड़े हुए सभी लोग हो, यहाँ पे आके चिंतन करते हैं कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। लेकिन कभी इन्होंने ये चिंता नहीं की कि चित्रकूट की छाती खोदी जा रही है। जो लोग उस पर्वत को पूजते हैं, जो लोग उसको धर्म और आस्था से मानते हैं, जिसका ग्रंथों में उल्लेख है, रामचरित तुलसीदास जी की रामचरित मानस में उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रणकीन, ऐसे स्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीज कर रही है और अवैध रूप से और वैध रूप से खनन की कार्यवाही चालू करी हुई है। जो यहाँ पे आस्था पे कुठाराघात है, भगवान राम भक्तों के साथ छलावा है, ये सब झूठे राम भक्त हैं। मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है वो सभी खनन मुक्त करें और सारी जो भी लीज है जो भी वो है उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम पे संरक्षित करें। प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी छोटे बड़े दलों ने शुरू कर दी है। ऐसे में चित्रकूट के राम वन गमन पथ के पवित्र सिद्धा पर्वत के इलाके में खनिज विभाग के द्वारा राजनीति प्रभाव वालों को खनन की परमिशन देना निसंदेह एमपी में बुंदेलखंड की राजधानी में गर्माहट पैदा करेगी, जो सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा बन सकती है।